नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4 इसका पहला प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, इसका दूसरा भाग हम करने जा रहे हैं px बराबर x4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1। तो देखिए, हमारे पास जो गुणनखंड हमें चेक करना है वो है x प्लस 1। इसको x माइनस a के रूप में लिखने के लिए मैं प्लस 1 को लिखता हूँ माइनस इंटू माइनस 1। ठीक है, तो यहां से देखिए, इसको यदि मिलाएंगे तो x और x माइनस माइनस a की जगह है माइनस 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1, a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस 1 को पी एक्स में x की जगह पुट करूंगा। P ऑफ x था, अब बन गया P ऑफ माइनस 1, एक्स की जगह माइनस 1, तो ये बन गया माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस प्लस एक्स की जगह माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब माइनस 1 की पावर 4 वो होगी प्लस 1, उसके बाद माइनस 1 की पावर 3 ये ऑड है इसलिए ये आ जाएगा माइनस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस इंटू माइनस माइनस ये है 1, आगे है प्लस 1 वो लिख दिया प्लस 1। अब देखो ध्यान से, 1 से माइनस 1 कट गया 0, 1 से माइनस 1 कट गया 0, बाकी हमारे पास बच गया 1, तो शेषफल जो है वो 0 नहीं आया, यानी कि P ऑफ 1 जो है वो 0, शेषफल की जगह आप यहां पर P ऑफ माइनस 1 भी लिख सकते हैं। P ऑफ माइनस 1 0 नहीं आया, तो गुणनफल प्रमेय के अनुसार यदि P ऑफ A 0 के बराबर नहीं है तो x प्लस 1 Px का गुणनखंड नहीं है। यदि P ऑफ A 0 के बराबर होता तो x प्लस 1 Px का गुणनखंड होता। ठीक है बच्चों, अब इसका हम साथ के साथ ही चौथा भाग देखते हैं। थर्ड आप बेटा खुद से ट्राई करना, फोर्थ पार्ट है px बराबर x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2। कई बच्चे ये रूट 2 को देख के ही डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया ये। ठीक है, इसीलिए मैं ये भाग आपको स्पेशली करा रहा हूं। फिर से जैसा हमने ऊपर किया था वही चीज यहां है, x प्लस 1 को सबसे पहले हमने लिखा x इंटू माइनस इंटू माइनस 1, इसको x माइनस a के साथ मिलाया तो x x है माइनस माइनस है, a किसके बराबर आएगा माइनस 1 के बराबर आएगा। तो अभी जो मेरे को पी एक्स एक बहुपद दिया था इसमें x की जगह मैं लिख दूंगा माइनस 1, तो देखो x की जगह माइनस 1, एक्स क्यूब यानी माइनस 1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, यहां पे माइनस भी लिखना है साथ में। उसके बाद 2 प्लस रूट 2 के साथ x की जगह माइनस 1 प्लस रूट 2। अब देखिए, माइनस 1 का जो क्यूब होता है वो होता है माइनस 1। ठीक है, कैसे होता है देखो, माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, तो माइनस 1 का क्यूब आ गया माइनस 1, ये माइनस का निशान है, माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 1। अब यहां देखिए, ये माइनस 1 इस ब्रैकेट से गुना हो रहा है और यहां एक माइनस भी है, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस। दोबारा बोल रहा हूं, ये माइनस और ये माइनस आपस में जब गुना होंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये जो रह गया 2 इंटू 1 2 प्लस रूट 2 इंटू 1 रूट 2 प्लस, ये रूट 2 हमने यहां लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, इन तीन रकमों को हमने सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2 साथ में साइन माइनस का, तो ये आ गया माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 और प्लस 2 कितना हो गया 0। आगे से उतारा, रूट 2 प्लस रूट 2 होता है 2 रूट 2, तो 0 में 2 रूट 2 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2 रूट 2। अब देखो ध्यान से, इसको आगे हल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये जो P ऑफ माइनस 1 हम कर रहे थे उसकी वैल्यू 0 नहीं आई, और गुणनखंड गुणन फल प्रमेय के अनुसार, एक मिनट, ये गुणनखंड प्रमेय है, सॉरी, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि P ऑफ A 0 नहीं है तो x प्लस 1 Px का गुणनखंड नहीं है,
यदि पी ऑफ ए जीरो आता तो एक्स प्लस वन पी एक्स का गुणनखंड होता, लेकिन पी ऑफ वन जीरो नहीं आया इसलिए एक्स प्लस वन पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। धन्यवाद। आप उल्टा क्यों बोल रहे हो?